नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड, क्या इस कंपनी को बाई करना चाहिए या फिर जो लोग इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए क्या डिटेल हो सकता है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले अगर इस कंपनी के 52 वीक लो की बात करें तो 49 पैसे का इस कंपनी ने लो बनाया था। वहीं अगर इस कंपनी के 52 वीक हाई की बात करें तो 1 रुपए का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आज के डेट में इस कंपनी ने बनाया। दोस्तों अगर इस कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल में इस कंपनी के कुछ वीक पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इस कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग आप देख लेंगे 6.03% के साथ में। कंपनी के ऊपर अगर हम डेप्ट की बात करें तो 0.29 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर डेप्ट भी है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 0.04 करोड़ का आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम है। अगर वहीं इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 3.57 करोड़ का डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि इन्वेंट्री की अगर हम बात करते हैं तो 30.2 करोड़ का डिटेल आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर इस कंपनी के बुक वैल्यू की बात करें तो 1.03 रुपये का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि यह कंपनी अभी भी अपने बुक वैल्यू के नीचे मिल रहा है। तो इस कंपनी को आप चाहे तो बाई करके चल सकते हैं, लेकिन इस कंपनी में रिस्क भी काफी ज्यादा है, इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। तो देखते हैं इस कंपनी के और डिटेल को। दोस्तों अगर इस कंपनी के ऑल टाइम चार्ट के डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे यह कंपनी बहुत टाइम बाद 1 रुपए के लेवल पर पहुंचा है। तो ऐसे में इस कंपनी में एक बड़ी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर यह कंपनी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर निकलता है। जैसे यह कंपनी इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर निकलता है तो फिर इस कंपनी का 1.20 रुपए का पहला टारगेट होगा और उसके बाद 1.60 से 1.65 रुपए का अगला टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो सबसे पहले इस कंपनी के रिस्क को समझ लें, उसके बाद ही इस कंपनी को बाई करें। क्योंकि आप देखेंगे 10 रुपए वाला शेयर पिछले कई सालों से 1 रुपए के नीचे दबा हुआ था, तो ऐसे में इस कंपनी में रिस्क कितना ज्यादा है आप खुद ही समझ सकते हैं। और जो लोग भी इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो चाहे तो अपना स्टॉप लॉस लगाकर कंटिन्यू कर सकते हैं इस कंपनी को आगे के लिए, यानी डेली टू डेली आपको अपना स्टॉप लॉस कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से यह कंपनी काफ़ी तेजी के साथ ऊपर ग्रो किया है, अगर यहाँ से फिसलता है तो एक बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिल सकता है, इसीलिए मेरे ख्याल से आपको अपना स्टॉप लॉस कंटिन्यू करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video।